चूंकि एक इंटरनेशनल गैंग है और अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल सिटीजन ने आकर हमारे यहाँ डकैती डाली, तो इसके संबंध में इंटेलिजेंस ब्यूरो अन्य एजेंसियों को लिखा जा रहा है कि अवैध तरीके से इनका प्रवास जो है हिंदुस्तान में है। इसके पास कोई लेजिटिमेट वैध कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था इस मुल्क में आने का, जो ये दिखा नहीं पाया। और इन लोगों के पास एक पिस्टल मिली, बांग्लादेशी करेंसी, बांग्लादेशी टी शर्ट, बांग्लादेशी भाषा में लिखी हुई, मोबाइल नंबर, पेचकस, रस्सी इत्यादि चीज़ें इन बदमाशों के पास से, दोनों के पास से मिली। मैंने गिरफ्तार करने वाली टीम के बारे में तो आपको बता ही दिया, साथ ही नगद पुरस्कार हमारे डीजीपी सर के तरफ से जो कैश रिवार्ड हम देने जा रहे हैं, तत्काल कैश, वो हमारा साथी राम निवास शुक्ला जिसने एक साल से इस पूरे केस पर परिश्रम किया, और वीर सिंह, इन दोनों को हमारे द्वारा नगद कहाँ गया। और ये जितने भी SHO इस दोनों क्षेत्र में मिलाकर 15 SHO थे, ये 15 SHO और इनके सभी CO, 5 CO, सभी लोग ट्रैक पर थे, हमारे पूरी टीम और हम और लोग खुद भी उस समय सभी जगह ट्रैक पर रहे। और उसके बाद पूछताछ में जो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, सफीकुल ने, इसने बताया कि हिंदुस्तान के जो भी बड़े शहर हैं उन सब जगह पर ये लोग डकैती में शामिल थे। अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में एक घटना हुई थी, वहाँ भी ये इसी गैंग ने इस तरह की डकैती डाली थी। इसका कहना है कि यह बोरा पोड़ी गांव का रहने वाला था और मोरलगंज वहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ का रहने वाला है, भागेर हाट डिस्ट्रिक्ट है, खुलना के पास वहाँ का रहने वाला है। बैनापुर एक जगह है मालदा के पास, जहाँ से ये हिंदुस्तान में मालदा में आता है, बैनापुर बांग्लादेश में है, वहाँ से ये मालदा में आता है और मालदा से फिर ये यहाँ पर आता है। इसका कहना है कि बांग्लादेश में कुछ लोग घाट मालिक होते हैं, आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर पूरा पोरस है, तो ये घाट मालिक के द्वारा ये लोग इस पार हिंदुस्तान में आ जाते हैं और फिर ये अच्छे मोहल्लों की रेखी करता है जहाँ अच्छे घर वाले हैं। और ये तीन चीज़ रेखी में ध्यान रखता है, पहला रेलवे ट्रैक को ताकि दिशा में भटकाव नहीं, ये भूले नहीं रास्ता, दूसरा ये इस बात का ध्यान रखता था कि जिस भी घर में वो लूट करता था उसके बगल में खाली प्लॉट हो, और तीसरा सामने पार्क। तो आप देखे होंगे कि जहाँ भी इसके द्वारा घटना की गई उन सब जगह पर रेलवे ट्रैक था और सामने पार्क था और अगल बगल के प्लॉट खाली थे, इस बात का यह ध्यान रखता है। ये सामान्यतः यह गैंग 7 से 8 व्यक्तियों के साथ चलता है और उसमें से ये लोग बल्लम का प्रयोग करते हैं, बाका का प्रयोग करते हैं और बड़ा चाकू का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य किसी को हत्या करना किसी का उद्देश्य नहीं होता, इसका रहता है कि मैक्सिमम हम जितना माल कमा सकें उस माल को कमाएं और उसके बाद फिर से ट्रेन में बैठ करके बांग्लादेश चले जाएं। में उनकी हरकत नहीं हुई, इनकी टीम मालदा गई थी, इनकी टीम बेंगलुरु गई थी, ये लोग दिल्ली गए थे और जो जो इन बांग्लादेशियों के ठिकाने थे उन सब जगह अपने लोगों को इन्होंने तैयार किया। उसके बाद ये टीम, ये लोग जब अभी फिर से इंडिया में आए, भारत में आए, तो जो ही जानकारी मिली उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम को बिछाया और कानपुर, ये कालका मेल से कानपुर आए और कानपुर से जब हमारे लखनऊ में आए तो परसों ये लखनऊ में रेकी करके गए थे, उसमें भी SHO महानगर रात भर लगे रहे, परसों रात भर, कल सुबह से SHO महानगर और इनकी टीम और सर्विलांस की जो हमारी टीम थी वो कानपुर में लगी रही, उसके बाद शाम से सभी जगह पर हम लोगों ने चेकिंग कराई, जो भी बसेस थी वहाँ चेकिंग कराई और रात में ट्रैक पर, क्योंकि जो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है मैंने आपको भेजा, इनकी मॉडस ऑपरेंडी बांग्लादेशी ग्रुप की रहती है कि ये ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है उसी के किनारे पॉस कॉलोनी में लोग डकैती करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।